हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले दो वीडियोस से मैं आपको एंटी एजिंग के बारे में बता रही हूँ। प्रीमेच्योर एजिंग होती क्यों है, उसके कारण क्या है, उसके साइन क्या है, कैसे पता चलता है कि हमें प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, और उसके लिए हमारे क्लिनिक्स में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये सब मैंने आपको पिछले दो वीडियोज़ में बताया है। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो दोनों वीडियोज़ देखें, और इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह, और आज मैं एंटी एजिंग के मिथ को क्लियर करूंगी, उसके डूज एंड डोंट्स बताऊंगी। हम सबको बहुत ज़्यादा मिथ है एंटी एजिंग को लेकर, जैसे कि सबसे पहला मिथ है ज़्यादा स्माइल करने से या ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन देने से, फ्राउनिंग करने से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, लाइक आप ऐसे या फिर ऐसे, मतलब अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस लाते हो तो उससे रिंकल्स फाइन लाइन्स जल्दी पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्माइल करने से आपको कोई रिंकल्स या फाइन लाइन्स नहीं पड़ने वाले हैं। इट इज़ अ कंप्लीट मिथ, तो आप खुल के हंसो। सेकेंड मिथ आता है यू डोंट नीड सनस्क्रीन्स ऑन अ क्लाउडी डेज। के भी दिमाग में अगर ये सब चल रहा हो, मैं घर में हूँ तब मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, या बाहर बादल है, बारिश हो रही है तब मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, तो सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। और सनस्क्रीन आपका पहला ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको एजिंग से बचाता है, सो वेयर सनस्क्रीन ऑन एवरी डे। थर्ड में आता है व्हाट यू ईट हैज़ नथिंग टू डू विद योर रिंकल्स। इसका क्या मतलब है कि आप जो कुछ भी खाते हो उसका आपके रिंकल्स या फाइन लाइन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये भी एक गलत बात है। कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट या स्टार्ट होता है आप हेल्दी डाइट से, हेल्दी रूटीन से, एक्सरसाइज से, जो हमारे स्किन को हमारी नीड होती है, जो टाइटनिंग इफेक्ट लाता है, वो सब हमारे डाइट से ही फुलफिल होगा। फोर्थ क्या होता है, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर प्रिवेंट रिंकल। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ पानी पीने से हमारे रिंकल्स दूर हो जाएं? पानी ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि मॉइस्चर आपके एंटी एजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट इट डजंट मीन कि आप सिर्फ पानी पीने से आपका जो स्किन है उसको नरिशमेंट मिल जाएगा। पानी पीने से आपने इंटरनली अपने सेल्स को हाइड्रेट किया, बट जो हमारी टॉप की लेयर होती है वो पानी पीने से सिर्फ हाइड्रेटेड नहीं होती है, उसके लिए हमें प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग की कोटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि मेरे पेरेंट्स को रिंकल है तो आई एम बाउंड टू गेट रिंकल्स। ह्यूमर, आईज, बालों का कलर, रंग, ये बहुत सारी चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं, बट आपका रिंकल्स एंड फाइन लाइंस में जीन्स का कोई रोल नहीं होता है। आप अपने एजिंग को डिले कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आपने सही डाइट लिया, सही प्रोडक्ट यूज़ किया, और प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट की नीड है तो ट्रीटमेंट कराया। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर हमने गर्मियों में जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वही हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, वही हम रेनी सीजन में भी यूज़ करते हैं। वेदर के अकॉर्डिंग हमारी स्किन का जो टाइप है वो कभी कभी चेंज होता है, तो हमें हमेशा वेदर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को वाइसली सेलेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज हमेशा कोई भी प्रोडक्ट या डाइट स्टार्ट करने के पहले या कोई भी ट्रीटमेंट के पहले आप अपने डर्मेट को ज़रूर विजिट करें। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेज मंत्रा, इन्वेस्ट इन योर स्किन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बाय।